हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंप्लीट वीडियो, लाइक डेली संगीत हुआ, उसके बाद में पूरी रात गरबा हुआ था। रात को 10 बजे स्टार्ट हुए थे और रात के 3 बजे तक गरबा चले थे और सब लोग बहुत डांस किया था, हम सब ने बहुत इन्जॉय किया था। और उसके नेक्स्ट डे था, हम लोगों ने भी मेरे हस्बैंड ने मिलकर कपल डांस किया था यहाँ पे। और उसके नेक्स्ट डे था हल्दी का सेरेमनी, गणेश स्थापना और पूजा वूजा हुई थी और उसके बाद में हल्दी का फंक्शन हुआ था। तो मैंने लास्ट क्लिप में हल्दी का क्लिप ऐड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कि 5 जने रख के देवर को हल्दी लगाते हैं, तो यहाँ पे हल्दी लगा रही हूँ सबसे पहले मैं, क्योंकि मेरा सगा देवर है इसलिए। तो मुझे मेरी मोटी मम्मी यहाँ पे सास है जो मुझे यहाँ पे गाइड कर रही हैं और वो मुझे बताती जा रही थी कि किस तरह से करना है। ऐसे करके 3-4 लेडीजें वो हल्दी लगाती है और उसके बाद में सब लोग ऐसे एक पत्ता लेते हैं, फिर हल्दी सर में लगाते हैं और सर में लगाने के बाद में हल्दी लगाने के बाद में पूरी बॉडी पे हल्दी लगाई जाती है और यहाँ पे बस वही। तो सब लोग यहाँ पे फोटो वोटो भी खिंचा रहे थे और बस इस तरीके से। और यहाँ पे लास्ट में सासू माँ ने भी हल्दी लगाई, सबकी पूजा हुई थी उसके बाद में इस तरीके से। और सब वीडियो को देख रहे हैं और उसके बाद में सब ने हल्दी लगाई। 5 या 4 5 और लेडीज होती है, आई थिंक 1 2 3 4, हाँ टोटल 5 जो होती है वो हल्दी लगाती है और फिर पूरी बॉडी पे हल्दी लगाते हैं। सबसे पहले 5 जन पहले सर पे हल्दी लगाते हैं, पूजा स्टार्टिंग करते हैं और उसके बाद में सारी प्रोसेस होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सब हो रहा था, ननद और यहाँ पे सासू माँ और बाकी सब मिलके यहाँ पे हल्दी लगा रहे थे और मैं खड़ी थी यहाँ पे। और ये मैंने यहाँ पे पहली बार ये ग्रीन साड़ी पहनी थी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट की थी साड़ी, एंड साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने पहली बार गुजराती स्टाइल में साड़ी पहनी है। तो यहाँ पे बस सब मजाक कर रहे हैं और लास्ट में पोत दिया उसको हल्दी से, बीच में लोग फोटो भी खिंचवा रहे थे यहाँ पे। और हल्दी गाढ़ी थी तो इसमें थोड़ा पानी मिला के फिर लग गए, स्टार्ट हो गए हाथों पे पैरों पे लगाना हल्दी। और तो यहाँ पे सब हल्दी लगा रहे थे और नहीं अच्छा, मेरे को ना पूरा आप आ जाइए, ले ब
अभी तक फोटो पढ़ाओ। अबे करो कैसे बच जा बीबी, तो बात नहीं आई है तू सासू मारी। ओ हो 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 और यहाँ पे मेरे भाई भी आया था, उसके नेक्स्ट डे बारात लेके हम लोग लेके आ गए थे। फिर यहाँ पे रिसेप्शन का डे था, जिस दिन मेरा भाई आया था सुबह में, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसको फीवर था, फिर भी वो आया। और यहाँ पे वो खेल रहा है बेबी के साथ में, और होता है ना मामा भांजे का तो एक अलग ही ट्यूनिंग होती है, तो वो उससे बात करने लग रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे दोनों बात कर रहे हैं। एंड हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज होने वाला है रिसेप्शन का डे, तो बस इसके मामा लेके आए हैं टॉय उसके लिए, और भी बहुत सारे टॉय लेके आए हैं। फिलहाल मेरा छोटा बेबी सो, उसको सुला दिया ताकि मैं रेडी हो सकूँ। मुश्किल से ये सोया है, मैंने पहले ही फाउंडेशन लगा लिया था, अब मैं बस इसका मेरा बेस बना लिया है, अब मैं रेडी होंगी थोड़ी देर में बस। और देखिए थोड़ा बहुत तैयार, क्योंकि बेबी आपको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से जो भी होगा मैं बस उठ करती हूँ। बेबी सो रहा है तो धीरे बोलो। भैया मैं रेडी हुई नहीं कि मेरे बेबी ने बस मेकअप किया और पोटी कर दी है, अब मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा। लगे बैठे भैया, हाँ 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 साफ़ करती हूँ, तो बस अभी मैं साफ़ कर देती हूँ। तो मामा लेके आए हैं एलिफेंट बेबी के लिए, बेबी को रेडी कर रहे हैं हम। मामा दूसरी अनबॉक्सिंग करते हुए, ऑलरेडी तीन गिफ्ट दे चुके हैं, 1, 2, 3 एंड 4। रिसेप्शन में गए थे तो मैंने वहाँ से, क्योंकि मैं अपना मोबाइल तो भूल गई थी घर पे, क्योंकि मेरे हाथ में बेबी था उसको संभालना था, तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन से 15 सेकंड का वीडियो बनाया छोटा सा, बस यही मेरे यहाँ पे बैठी हुई रिश्ते, तो हम स्टेज पे थे हम लोग। उसके बाद घर आ गए, घर आ गए बस अब बेबी को फीड कराऊंगी, उसको सुलाऊंगी बस, पता गया सब। अरे आयो ला आयो भाई, हाँ